मांडर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आ गया है, जिसमें जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं शिल्पी नेहा तिर्की वो जीत प्राप्त की। हम उनसे सीधा बात करते हैं। मैडम, आज आपकी लगभग जीत तय हो गई है, क्या कहेंगे और क्या? हम पहले तो मांडर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने समझा कि क्या सही है क्या गलत है और एक इतना विश्वास जताया है हमारे ऊपर, और फिर से उन्होंने साबित कर दिया है कि बंधु तिर्की ही उनका चहिता नेता है। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जिस तरह से लगातार कांटे की टक्कर है थी और कई तरह की बातें आ रही हैं, कल आज परिणाम आना था, क्या कुछ तैयारी था, कैसे देखते थे आप, क्या कुछ विचार करके रखे? देखिए, जब से हमने चुनाव प्रचार शुरू किया हमने कभी भी रिजल्ट की तरफ हमने फोकस नहीं किया था। हमारा फोकस और मेहनत बस जनता और लोगों से मिलना और कनेक्ट करना था। इसीलिए अब रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो मेहनत का फल मिल रहा है हमें। पहली बार आप सदन में आएंगी, क्या कहेंगी, क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या कुछ आपका पहला रहेगा, क्या है? हाँ, उस पे अभी हम लोग का काफ़ी डिस्कशन होना है कांग्रेस पार्टी के साथ भी, बाबा के साथ भी, उसके बाद ही हम अपना स्ट्रैटेजी आपको बता। बिल्कुल, साथ में बंधु जी भी हैं जो उनके पिता हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आज बेटी जो है जीत प्राप्त कर चुकी है, क्या कहेंगे और कितना खुश हैं? मांडर क्षेत्र के मतदाता जितने भी ग्रामीण सभी लोगों को ढेर सारी बधाई देता हूँ। उन्हीं का कृपा और आशीर्वाद के कारण जिस तरह मेरी सदस्यता चली गई थी, काफ़ी उन्हें आक्रोशित थे और वो आक्रोशित का ही परिणाम था उनके अदालत में शिल्पी न्याय को जबरदस्त तरीके से उनको विजयी बनाया। और भारतीय जनता पार्टी का जो साजिश है उनके साजिश के लिए उनके एक करारा तमाचा वहाँ की जनता देने का काम किया। सर, बार बार आप कह रहे हैं कि दो विधायक अब हो गए, एक सदन में एक सड़क तक, इससे कितना लाभ मिलेगा लोगों को? समय आने पर पता चल जाएगा, बाकी रणनीति बनाएंगे, अभी कहना जल्दीबाजी होगा, लेकिन निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ये देखिए, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सब भी लगातार नेहा शिल्पी नेहा तिर्की के स्वागत में लगे हुए हैं। वह उनका आवास है जहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं, किस तरह से हजारों की संख्या में समर्थकों की भीड़ है, लगातार लोग आ रहे हैं, नेहा तिर्की को बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। और बंधु तिर्की ने भी कहा कि भले ही उनकी सदस्यता चली गई हो, लेकिन नेहा तिर्की के जीत के बाद मांडर विधानसभा को दो विधायक मिल गए हैं, एक सड़क पर संघर्ष करेंगे और दूसरा सदन में संघर्ष करेंगे। ईटीवी भारत के लिए हितेश कुमार चौधरी, रांची।